नित्यानंद प्रभु का देखिए एक ही कुंडल है जानते ना आप एक कुंडल एक कुंडल वाले हैं नित्यानंद प्रभु दो कुंडल नहीं है या लेफ्ट कुंडल, कुंडल है, या लेफ है पता नहीं शायद एक ही कुंडल है राइट कुंडल है एक कुंडल नहीं है लेफ्ट वाला नहीं है तो इसके पीछे कथा गया है कि एक ही कुंडल क्यों है नित्यानंद प्रभु के तो यह कथा आती है महाभारत में तो नित्यानंद प्रभु एक बार महाभारत में कथा बाद में आएगी लेकिन उससे पहले मैं बता रहा हूं कि नित्यानंद प्रभु और उनके भाई थे बाका राय नित्यानंद प्रभु के आविर्भाव के बाद कुछ वर्षों के बाद एक और संतान उत्मी हड़ाई पंडित ओझा के घर में माँ माता पद्मावती पद्मावती से जन्म हुआ बाका राय उनका नाम था बाका राय बाका मतलब टेढ़ा और राय मतलब राधा रानी तो बाका राय दोनों के कॉम्बिनेशन बाका और राय राधा और कृष्ण वो भी प्रकट हुए थे तो बाका राय वहां प्रकट हुए थे और दोनों एक बार जो हैं और बाका राय और नित्यानंद प्रभु दोनों जो है खेलते थे बचपन में बहुत सारी लीलाएं खेलते थे जो बताया था ना विश्राम तला कौन सा तला बताया था विश्राम तला तो वहां पर ही बाल लीलाएं होती थी और लीलाएं कैसी होती थी कृष्ण के ऊपर भगवान कृष्ण के ऊपर वो लोग नाटक किया करते थे उनकी गोचारण लीला या फिर उनकी रास लीला पे या भगवान श्री राम की लीलाओं के पर अनेक अवतारों की लीलाओं का वहां पर नाटक हुआ करता था तो बचपन से ही हमारे देखिए ड्रामा का जो है चला आ रहा है परंपरा से चला आ रहा है तभी से ही नहीं तो नया नहीं कि हमने अभी नया नया शुरू किया कर रहे हैं हम लोग ड्रामा तो तब से ये लीलाओं के पर आधारित नाटिका प्रस्तुत करते थे और गांव वाले हो जाते थे और उनके पिता हड़े पंडित ओझा और पद्मावती वो हमने तो कभी बताया नहीं इतना इतना तो बचपन में इस प्रकार की लोग नाटक के, लो के रूप में प्रस्तुत करते थे तो एक बार क्या हुआ नित्यानंद प्रभु और बाका राय ये दोनों अपने नाना के घर पे गए मयूरेश्वर वहां से लगभग दस किलोमीटर की दूरी पे है और आज के समय में कोटासुर के नाम से जाना जाता है आधुनिक समय में वहां पे जो गांव है उसका नाम है कोटासुर तो उस कोटासुर में वहां पर उनके नाना रहते थे तो वहां जब गए तो वहाँ के गांव वालों ने बताया बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर यहाँ पर क्या है कि जब हम इस वन के रास्ते चलते हैं, क्योंकि जंगल था उस समय तो अभी तो कई वन जो है रहे नहीं आधुनिक समय में जंगल का कोई मतलब ही नहीं है लेकिन उस समय जंगल बहुत उभा करते थे और उस जंगल में वहां पर एक नाग रहता था कोबरा और आते जाते लोगों को वो डस लेता था और इस कारण से गांव बेचारे गांव वासी गांव वाले जो थे वो बड़े भयभीत रहते थे बड़े डरते थे भाई इस रस्ते से गुजरना बड़ा मुश्किल हो गया है ये सर किसी ना किसी को डस लेता है निर्दोष जानवरों को और मनुष्यों को और सबको डस लेता है कई लोग मर गए इस वजह से अब क्या किया जाए उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो उसका निवारण हमारे पास है अब ये इतने बड़े तो थे नहीं छोटे बालक थे लेकिन को मना किए गया, फिर भी चले गए जंगल के अंदर और वहां जाके गए और जाके चुनौती दी उस सर्प को। hey, क्यों डसते हो यहां पर लोगों को तुम यहीं पे रहो वाई यूर पर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आउट तो सर्प बोला भाई ये कौन है अब नित्यानंद प्रभु जो है वो नागराज है नित्यानंद प्रभु जो है सभी संकर्षण है ना तो नागराज है नित्यानंद प्रभु तो उनके कहते ही जो है वो सर्प जो है एकदम शांत हो गया वो शांत हो गया और तो उसने बताया कि वास्तव में तुम ऐसा क्यों करते हो और तुम यहां क्या कर रहे हो तो सर्प ने बताया कि अपना इतिहास और ये इतिहास का वर्णन आता है महाभारत में महाभारत में इसका वर्णन आता है उस सर्प का इतिहास जो है तो आप जानते हैं कि धर्दराज के जो बड़े पुत्र थे सबसे बड़े पुत्र दुर्योधन वो बड़ा दुष्ट व्यक्ति था नहीं सुयोधन से दुर्योधन बन गया हो तो दुर्योधन जो है बहुत ही ज्यादा दुराचारी और बहुत ज्यादा क्रूर था और दुर्योधन ने एक चाल चली थी क्योंकि जब वनवास में चले गए थे पांडव लोग लाक्षाग्रह में उनको जलाने का उनको षड़ रचा गया था तो जला के राख लाख लाक्ष से बना हुआ था पूरा वो महल जो था लैक लैक जानते हैं रेड कलर का होता है ना लैक पहले चिट्ठियों में में पार्सल्स चिपकाने के लिए उसका उपयोग किया करते थे लैक तो उससे ही बना हुआ था पूरा घर और आग लगाएंगे तो बड़ी तेजी से पकड़ लेगा वो तो वहां पे वो लोग ठहराया गया था उनको अब वहां पे क्या हुआ योजना बनाई गई कि उनको जला के राख कर दिया जाए लेकिन अवश्य रक्ष बे कृष्ण मारे कृष्ण राखे के राखे कृष्ण मारे के तो कृष्ण रक्षा करते हैं और इस तरह से उन पांडवों को मौका मिल गया उस महल के नीचे सुरंग बनाकर वहां से निकल गए वहां से निकल गए अब क्या हुआ उसके बाद वहां से निकल के और इसी समय इसके बाद की ही ये घटना है कि इसके बाद ही पांडव लोग जो हैं यहां आ गए थे एक चक्र एक चक्र पहुंचे थे तो एक चक्र में जब पहुंचे तो एक चक्र में पहले आ, एक चक्र के बाहर ही की जगह है आप जाएंगे ना उधर जैसे बताए यहां पर वो आ, बकुल तला बकुल तला बताए जहाँ पर बकुल तला से थोड़ा आगे जाएंगे सामने उसके बिल्कुल खेत है और लव खेत के अंदर जाएंगे थोड़ा सा आगे चलकर वहाँ एक स्थान है जिसको कहते हैं पांडव तला पांडव तला यहीं पर जो है पहले सबसे पहले पांडव लोग आके रुके थे और वहां पर उनकी मुलाकात हुई थी शील वेदव्या जी से वेद व्याजी ने बताया कि आप ऐसा कर सकते हैं यहां तो रहना आपके लिए ठीक नहीं है आप किसी घर में रुक जाइए वेदेश्वर नाम के ब्राह्मण हैं और उनके घर पे अधिकांश जो है आ, रुकते हैं अतिथि रुकते हैं उनके घर पे आते हैं जब भी तो आप जो है उनके लिए व्यवस्था करिए वहां पे जाके रहिए तो अच्छा रहेगा तो उनका ठीक है तो वेदेश्वर ब्राह्मण बड़े खुश है प्रसन्न हुए कि वहां पर पांडव लोग आए हैं रुके हैं और तो वो, वो लोग वहां पे गांव रुके तो उस गांव में एक बहुत बड़ी समस्या थी एक चक्र में एक राक्षस था जिसका नाम था बकासुर उसने जो है बहुत तंग किया हुआ था सबको बड़ा परेशान किया हुआ था और बकासुर ने क्या किया रोज क्या करता था आदमी को उठा के ले जाता था वो वह आदमखोर था किसी ना किसी इंसान को ले जाएगा उसको खाने पीने के लिए बहुत चाहिए था तो गांव वालों ने आपस में जो है एक मीटिंग की उस मीटिंग में उन्होंने ये फैसला किया कि हम लोग ऐसा करते हैं ये आगे किसी को भी उठा लेता है इसको रोज खाने को चाहिए ना हम क्या करेंगे नंबर लगा देते हैं प्रत्येक घर का एक नंबर लगा देते हैं जिस घर का भी नंबर होगा वो अपने घर से एक इंसान भेजे और साथ में खाने को भेजे उनका ये अच्छा आइडिया है इससे कम से कम जो लोग यहां रहना ही नहीं चाहते वो निकल सकते हैं तो फिर ऐसा करते करते एक दिन नंबर आया किसका वेदेश्वर ब्राह्मण का और वो घबरा के बेचारे गरीब लोग थे बेचारे उनके अंदर इतना पैसा तो था नहीं अब भोजन कहाँ से इकट्ठा करें वो वो ब्राह्मण थे और जाके भिक्षा मांगे वो और उनकी पत्नी थी वो अपने घर से अपने पिता के घर से कुछ ले आए तो ऐसा जैसा तैसा करके आ, बहुत सारा भोजन इकट्ठा कर लिया और बैलगाड़ी में जितना आता है उतना भर लिया मतलब बता दे कितना वेट बता रहे हैं उसका एक लाख नब्बे हजार किलो इतना भोजन देना होता था उसको कहां से लाए रोज इतना भोजन राक्षस है ना वो खूब खाता है नहीं इसका मतलब ये नहीं कि जो ज्यादा पाते हैं प्रसाद वो राक्षस है जो ज्यादा प्रसाद लेते हैं वो भक्त हैं तो इसलिए आप लोग तो ज्यादा मतलब डिस्करेज मत होना तो फिर ये जो है उन्होंने कहा ठीक है हम जाएंगे तो इनके जो घर में इनकी बेटी थी एक भानुमती और एक लड़का था विद्याधर तो ये सब रोने लगे घर वाले सब कि क्या होगा अब कौन जाएगा विदृष्ठ ने कहा कि मैं ही जाऊंगा नहीं नहीं आप नहीं जाएंगे मैं जाऊंगा लड़का बोलने लगा लड़का कहता मैं जाऊंगा उनकी लड़की कहती मैं जाऊंगी तो बेचारे सब परेशान हो गए कुंती महारानी जो है वो भी परेशान हो गई कुंती महारानी का देखो जब हम लोग कष्ट में थे इन्होंने हमारी सहायता की हमें रहने के लिए स्थान दिया और इस वजह से हम सुरक्षित हैं हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग इनकी रक्षा करें तो आने का आप चिंता मत करो मेरे पास आपके तो एक ही पुत्र है ना मेरे पांच पुत्र हैं और भीम के बारे में जानते हैं आप भीम बहुत शक्तिशाली है मैं भीम को बेचती हूं वो मार के आ जाएगा उसको तो कुंती महारानी भी क्षत्रिय परिवार से नहीं तो वो जानती है कि उनका लड़का क्षत्रिय है और बहुत ताकतवर है भीम वो मार के आएगा कोई दिक्कत नहीं है तो इस तरह से उन्हें कहा कि मैं भीम को बेचती हूं और आप चिंता मत करो तो भीम ने कहा कि तो बहुत बढ़िया हो गया आज मिल गया फीस तो हो जाएगा तो मजा आएगा उसको मार के हम खाएंगे खूब कृष्ण लीला में भी ऐसे होता है कृष्ण बलराम प्रौपा जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ब्रज में जब थे वृंदावन में तो रोज लंच टाइम से पहले कम से कम दो राक्षसों को मारते थे और प्रौपा जी कहते उसके बाद वो लोगों का फीस्ट प्रसाद होता था सभी सखागण अपने, अपने अपने घरों से प्रसाद लेके आते थे और भोजन लीला होती थी मुना जी के तट पर बैठकर तो इस तरह यहां पर भीम ने सोचा कि तो बहुत अच्छा मौका है बहुत बढ़िया हो गया तो इस तरह से भीम तैयार हो गए जाने के लिए और उस बैलगाड़ी में बहुत सारा भोजन रखा हुआ था हमने बताया कितना था एक लाख नब्बे हजार किलो यानी किसे बता रहे फाइव थाउजेंड वन ट्वेंटी माउंडस ऑफ कुक्ड राइस मीस इकोल एस तो इस तरह से फोर हंड्रेड नाइनटीन एट हंड्रेड फोर्टी पाउंड इतना बड़ा केक था एक्चुअली वो इतना केक तो हम पूरे गाड़ी में सबको बांट सकते तो फिर वो बैलगाड़ी को लेके गए भीम और भीम ने जो चिलाना है चिलाना शुरू किया हुए कौन था ये बकासुर निकला बाहर तो बस भीम की आवाज सुन के बकासुर ने सुना तो कौन ललकार रहा है मुझे कौन है ये? और भीम जान के बगासुर के सामने बैठ के खा रहे थे तो बगासुर को लगा कि मेरा भोजन खा रहा है ये कौन है ये दुष्ट तो बगासुर ने एकदम से बड़े क्रोध में आके वहां के जो आसपास के पेड़ हैं वो उखाड़ना शुरू किया और भीम के ऊपर फेंकना शुरू किया और भीम ने भी पेड़ उखाड़े वहां के पेड़ उखाड़ उखाड़ के देखिए क्या ताकत होगी पेड़ उखाड़ देते पेड़ उड़ के वो भी पेड़ आक्रमण शुरू हो गया और फाइनली भीम ने बकासुर का कर दिया तो हुआ क्या घर तो अभी जंगल में थे। अर्जुन घर वापस आ अर्जुन ने कहा कि क्या बात है भीम कहा है सबको ठीक तो है तो माता कुंती ने बताया कि भीम गया वह मैंने भेजा है भीम को बकासुर नाम का राक्षस है ना तंग करता है सबको बस उसका समापन करने गया है वो और लौटता ही होगा अरे अरे ये तो भीमिका अकेले गया है कोई दिक्कत ना आ जाए उसको हा? तो मैं भी जाता हूं मैं देख के आता हूं क्या है आप चिंता मत करो हमारे बाकी जो भाई हैं वो सब आ रहे कुछ ही देर में वापस लौट रहे हैं आप चिंता मत करिए मैं जाकत, जा रहा हूं तो अर्जुन निकल गए अर्जुन जब निकले तो उन्होंने कहा कि वहां से तो दूर पड़ेगा है कि नहीं आप देखिए वहां एक चक्र से कोटासुर जाने में थोड़ा समय तो लगता है तो उन्होंने सोचा कि क्या करें फिर होने का एक ही तरीका है मुझे यहीं से जो है नागपाश अस्त्र छोड़ना पड़ेगा और वहां से जो नागपाश अस्त्र छोड़ा शूट किया और वो नागपाश अस्त्र स्नेक एरो। स्नेक एरो एरो ऐसे से मतलब धनुर्विद्या में होते हैं नागपावि अपने बाढ़ के द्वारा अग्नि प्रकट कर सकते हैं बाढ़ के द्वारा वर्षा कर सकते हैं तो ऐसे मतलब धनुर्विद्या में ऐसा होता है नहीं तो एक बाढ़ से ही थोड़ा युद्ध हो जाएगा सिर्फ तो ये सब होना चाहिए तो मंत्रों की शक्ति और धनुर्विद्या और पाश अस्त्र छोड़ा एकदम से उस स्नेक चला गया एकदम स्नेक एरो और वहां अगर चला गया तो भीम रस्ते में आ रहे थे और भीम तुम आगे वापस क्या हुआ समाप्त हो गया खत्म कर दिया हमने बगासुर को छुट्टी हो गई उसकी अरे रे लेकिन एक समस्या हो गई मैंने वो नाग पाश शस्त्र जो है वो मैंने छोड़ दिया वो किसी को डस लेगा उसको तो कोई ना कोई चाहिए टारगेट बकासुर के ऊपर छोड़ा था तो बकासुर तो खत्म हो गया अब मैं क्या करूं तो वो बड़ी तेजी से वहां पर गए और वहां जब पहुंचे तो नाग को आदेश दिया अर्जुन ने नाग को कहा कि तुम यही रहो इस तमाल वृक्ष के नीचे यहां से कभी जाना नहीं तो वो नाग ने कहा कि मैं खाऊंगा क्या जब भूख लगेगी मुझे तो कुछ तो खाना पड़ेगा उन्हें कहा कि आप किसी का शिकार नहीं करोगे कोई अपने आप ही आ जाता तो आप उसको निकल सकते हो उसका भक्षण कर सकते हो लेकिन अपने आप इधर उधर हंटिंग के लिए नहीं जाओगे, शिकार कर नहीं जाओगे फू फू नहीं करोगे आप, तैयार हो गया हूं नित्यान ठीक है अब तुम यहां और डिस्टर्ब मत करो लोगों को पशुओं को, को मार रहे हो और ये अच्छा नहीं शोभा नहीं देता तुम्हें दिस इज नॉट गुड फॉर यू आप यहीं पर रहो आप अब यहां से कहीं नहीं जाना है इसके इस्तेमाल वृक्ष से नीचे जो है आप वृक्ष के अंदर भीतर घुस जाओ तो वृक्ष के बाद वो छेद था होल था तो उस होल के अंदर चले जाओ और निकलना नहीं बाहर तो वो सर्प ने कहा कि फिर मैं कहा तो फाइव जी का रेडिएशन चल रहा है आज आजकल साउंड में प्रॉब्लम आ रही है इसलिए क्योंकि तो जो सबसे फाइव जी आगे एक्टिव हो गया है हाँ तो उस समय मोबाइल फोन एक्टिवेट हो जाता है ना सुबह मंगल आरती के समय मोबाइल फ़ोन चलता नहीं आ रहा अभी सबके शुरू हो जाते हैं फोन ऑडिटोरियम में भी प्रॉब्लम आ रही है। तो तो पर चलता रहता थोड़ा सा तो तो इस तरह से फिर नित्यानंद प्रभु ने कहा कि यहीं रहना तुम्हें तो यहां से कहीं नहीं जाना है और उसके बाद फिर नित्यानंद प्रभु ने कुंडा निकाला अपना और कुंडा निकाल के उस छेद को बंद कर दिया तो लेकिन सर्फ की फिर से आवाज है मैं खाऊंगा क्या फिर उन्हें चिंता मत करो अब तुम्हारी पूजा होगी गांव वाले आएंगे तुम्हारी पूजा करेंगे और तुम्हारे लिए नाना प्रकार के भेंट लेके आएंगे उसी को तुम स्वीकार करना उसी से संतुष्ट रहना और किसी का शिकार नहीं करना किसी को डसना नहीं तो तब से जो है और वो स्थान जो है बाद में एक शिला के रूप में प्रकट हो गया और उस स्थान का नाम पड़ गया कुंडली तला तो कुंडली तला वो ब्लॉक बन गया पत्थर का एक ब्लॉक बन गया वहां पर कुंडली तला के नाम से वहां एक मंदिर भी है वहां पर कुंडली तला के ऊपर एक मंदिर बन गया है वहां पर